अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंपेटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों से पेपर से पहले डेली बेसिस पे मोटरवे पुलिस के पास्ट पेपर को शेयर करूंगी। अच्छा, आप जो बच्चे मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं मैं उनका आपको बता देती हूं। देखिए, आप लोगों को चाहिए कि कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप हर तरह का पास्ट पेपर ज़रूर पढ़ कर जाएं। मैंने आपसे कहा था कि चार वीडियो में तकरीबन मैं 2019 के हर पोस्ट का पेपर मिक्सअप करके आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है। पहली जो वीडियो है वो 5 साल पास्ट पेपर के पार्ट 1 की, वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कहाँ अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे उसका लिंक जो है मैं वो पिन कमेंट में आप लोगों को दे दूंगी। मोटरवे पुलिस कारक से व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस वजह से कि एक एक चीज़ के लिए वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है कि इसकी जो है रोल नंबर स्लिप आ गई बच्चों, ठीक है, वो फिर मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, बच्चे देख लेते हैं, उनके लिए ईजी है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपने क्या करना है, चैनल को ऐसे करके सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटी को लेना है, और घंटी को लेने के बाद जब आप क्लिक करेंगे घंटी पर तो आपको ये कुछ वर्ड्स नज़र आएंगे, इसमें से आपने आल के बटन को क्लिक कर लेना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट हर तरह की गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी और प्लस जितने मोटरवे पुलिस के पेपर जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे, या जो भी आगे पेपर्स के बाद भी जो आगे होगा रिटर्न के बाद, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंटरव्यू की तैयारी भी करवाऊँ आप लोगों को चैनल से, तो सब कुछ आप लोगों को चैनल से प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है। इस वजह से आल का बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए, अगर आप चैनल पर आते हैं तो होम्स है, वीडियोज़ है, शॉर्ट्स है, प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में दो बहुत खास प्लेलिस्ट हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। मोटरवे पुलिस प्रिपरेशन की पहली प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें ये देखें 5 साल पास पेपर की पहली वीडियो अपलोड कर दी गई है। हालांकि मैंने कहा था कि इस वीडियो पर आप कोशिश करें कि मेरी 100 लाइक्स हों, छोटी बात, मतलब बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं मैंने दिया था, छोटा सा एक टारगेट दिया था कि 100 लाइक्स हर बंदा जो है वो लाइक करता जाए वीडियो को। मैं कोशिश करूंगी कि फिर एक दिन में 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर दूं। देखिए, मोटिवेशन चाहिए होती है काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप चैनल की ये दूसरी प्लेलिस्ट देखेंगे, जॉब्स 2024 की प्लेलिस्ट, तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा FIA, MOD, NAB, एक्साइज, नादरा, ठीक है, एक्साइज, IB, ASF, मोटरवे पुलिस, FBR, पाक रेलवे पुलिस भर्ती, हर तरह की भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब मैं आपके साथ डिटेल में जो है वो आज का पेपर शेयर करती हूँ, मोटरवे पुलिस का 5 साल पास्ट पेपर में से 2019 का पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी, यहाँ पर जो हमारे पास पहला सवाल है वो ये है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर हिज इंडिपेंडेंस, इनकी आज़ादी से पहले हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा था। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हेल्ड इन 1930 to 1932, ठीक है, 1930 से 1932 के दरमियान कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पाकिस्तान के किस सूबे में आबादी की कसाफत सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल डेफिसिट मीन, मतलब मालियाती खसारा, डेफिसिट कहते हैं कमी को, खसारे को, नुकसान को, ठीक है, मालियाती कमी या खसारे का क्या मतलब होता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए, एक्सेस ऑफ इशूइंग पेपर प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियामीर बशपा डैम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, दियामीर बशपा डैम पाकिस्तान के किस सिटी में वाकिया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उनमें से ये बन रहा है। अब ये मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को कल की भी वीडियो में जो पास पेपर की गुजरी है उसमें भी बताया था कि मैंने जो है वो आपको बता दिया था माउंटेन रेंजेस, डैम बेराजिस, और एक और कोई वीडियो थी बॉर्डर वाली, उसमें से सवालात ज़रूर आते हैं। उनका लिंक एज यूजुअल मैं आज फिर आप लोगों को पिन कमेंट में कर दूंगी, फर्स्ट कमेंट में, ठीक है। और ये आपको वीडियो जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, इनको ज़रूर आप लोगों ने देख लेना है पेपर से पहले, ठीक है, इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी सवालात आ जाते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा वाज दी, मदर टेरेसा कौन थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर थी मदर टेरेसा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम वाज द रिलेटिव ऑफ मोहम्मद बिन कासिम किसका रिश्तेदार था? करेक्ट ऑप्शन है ए हजाज बिन यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजाशी बिलोंग टू विच कंट्री? नजाशी का ताल्लुक किस मुल्क से था? करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इस्लामिक रूलर इन द सब कॉन्टिनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? बरसगीर में पहला इस्लामी हुक्मरान किसने मुतारिफ करवाया? करेक्ट ऑप्शन है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कॉमरेड न्यूज पेपर वॉज इस पब्लिश्ड इन 1911 बाय दी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूपोलियन डिफीटेड इन विच वॉर? न्यूपोलियन को किस जंग में शिकस्त हुई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाटरलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्पियन ट्रॉफी 2013 वॉज हेल्ड इन? चैम्पियन ट्रॉफी 2013 किस मुल्क में मुनक्किद हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे फरियादी किसने लिखा है? या नक्शे फरियादी इज रिटन बाय? तो नक्शे फरियादी किसने लिखा है? करेक्ट ऑप्शन है डी फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ ओटोमन एम्पायर वाज? उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन है बी प्राग इज द कैपिटल ऑफ? करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस रिवर ट्रीटी वाज मेडिटेटेड बाय? इंडस रिवर ट्रीटी का मुआहिदा किसकी मदद से हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन है सी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, शिफा वाज रिटन बाय? किताबुल शिफा किसने लिखी है? करेक्ट ऑप्शन है ए कॉल एंड स्टीव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके? केपीके के करंट चीफ मिनिस्टर कौन से हैं? अली अमीन गंदापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में का मौजूदा वफाकी वजीर दफा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ख्वाजा आसिफ। नेक्स्ट है, द बुक फ्रेंड्स नोट मास्टर्स वाज रिटन बाय? करेक्ट ऑप्शन है डी जनरल अयूब खान। ये कुछ बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, इनमें से आप देख लीजिएगा जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और अयूब खान, इन लोगों की बुक्स वगैरह देख लीजिएगा। अक्सर मुशर्रफ की भी बुक्स का पूछ लेते हैं, इनकी बुक्स जो फेमस है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ड कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को अल्लाह की तलवार के लकब से नवाजा गया? करेक्ट ऑप्शन है डी खालिद बिन वालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? ये कल के भी जो है वो पास पेपर में सवाल आया था, रिपीट है सवाल। तो करेक्ट आंसर है बी देवदार। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो आप में से जिसे याद हो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जुल्फकार अली भुट्टो बिकेम द फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 20th December 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1949। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय? ऑल इंडिया कांग्रेस को बनाया गया था या किसने कायम की थी? तो ठीक है, ये ए ओ ह्यूम ने की थी, ये एक जो है वो अंग्रेज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वर हेल्ड ऑन? पाकिस्तान में पहले आम इंतहाबात कब हुए थे? तो वो हुए थे 7 दिसंबर 1970 को, और यही इंतहाबात वजह बने थे कि इतने साल तक इलेक्शन नहीं हुए, तो जो है फिर जो है वो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टील मिल कराची वॉज इस्टेब्लिश विद द कॉपरेशन ऑफ डैश? करेक्ट आंसर है डी रशिया। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स? पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आइन कब नाफिस किया गया? तो करेक्ट आंसर है बी 23rd March 1956। अच्छा, पेपर में आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि कल इंग्लिश का पोर्शन मैंने आप लोगों को करवाया था, मोस्टली मैंने आपको बताया मैंने 2019 के सारे पेपर को कंबाइन किया, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था वो एक्सट्रैक्ट किया, वो कल की वीडियो में ऐड किया, और मोटरवे के लास्ट जो मुतल्लिक से सवाल वो कल ऐड किए थे। ठीक है, आज जोग्राफिया और पाकिस्तान स्टडीज़ के जो सवाल हैं वो ऐड किए हैं और वो सारे करवा रही हूँ आपको। ठीक है,
नेक्स्ट इज द होली प्रॉफिट डाइड ऑन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, तो करेक्ट ऑप्शन है सी 8 June 632। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर द कम्प्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द कुरान, कुरान की वही को नाजिल होने में तकरीबन कितने साल लगे, करेक्ट ऑप्शन है ए 23 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेंट लाइन इज बिटवीन, ड्यूरेंट लाइन किस किस के दरमियान है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, ये आ गई ना ये बॉर्डर लाइंस, मैं इसीलिए कह रही हूँ आपने वो वीडियोस जिनका पिन में जिनने मैं वीडियोस को कमेंट में पिन कर दूंगी वो आप लोगों ने फर्स्ट कमेंट में होंगी, वो आप लोगों ने तीनों वीडियो देख लेनी है, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय कश से शक्ल का कानून दरियाफ्त किया गया, करेक्ट ऑप्शन है ए आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है फॉर्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, फॉर्मोसा किस कंट्री का पुराना नाम है, करेक्ट ऑप्शन है सी ताइवान। निसाब ऑफ ज़कात फॉर सिल्वर इज, ठीक है सिल्वर का ज़कात का निसाब कितना है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी 52.5 तोले तकरीबन। ठीक है, हु प्रपोज दी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की थ्योरी को किसने तजवीज़ किया या पेश किया, तो करेक्ट ऑप्शन है ए चार्ल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ, करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदरलैंड इज द न्यू नेम ऑफ, नीदरलैंड्स जो है वो किसका नया नाम है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए 0°C। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का जो पास पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी ने वो जो है पहले पास पेपर का पार्ट वन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लें। चैनल पर न्यू है तो ऑल गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए और मोटरवे पुलिस की प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।